हाय फ्रेंड्स, आज मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ फास्ट मल्टीप्लिकेशन बाय मैजिकल मेथड का लास्ट ट्रिक। जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियो में तीन ट्रिक बता चुका हूँ और ये है फोर्थ एंड लास्ट ट्रिक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन बाय मैजिकल ट्रिक्स। तो दोस्तों, मेथड नंबर फोर, जिसमें कुछ रूल्स हैं, मैं आपको पढ़ देता हूं तो ताकि आपको बहुत इजी होगा। मेथड नंबर फोर जनरल रूल क्या है कि वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन के रूल वन होता है, टू डिजिट के लिए सेम हुए वन टू, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है। फिर थ्री डिजिट के लिए आपको सेम हुए रूल क्या होगा कि वन टू थ्री टू वन। फिर फोर डिजिट के लिए बहुत सिंपल है, वन टू थ्री फोर तक जाइए, उसके बाद फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आइए थ्री टू वन एंड सो वन। फाइव डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसी तरह से आ सकते हैं। और इसमें अब क्या है, यू कैन डू एनी टाइप ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ टू डिजिट्स थ्री डिजिट्स एंड सो ऑन, इट्स एरिया इज नॉट लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें एक लिमिटेशन है, पर्टिकुलर एरिया है, उसमें उस पैरामीटर में आप फिट बैठेगा तभी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मेथड या जनरल मेथड कर सकते हैं। किसी भी डिजिट के लिए इसको जब किसी भी नंबर के लिए जब आप कोई भी रूल भूल जाते हैं तो ये याद है तो इसे आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि मैंने वन टू थ्री फोर थ्री टू वन बताया है क्या, हम एक्सप्लेनेशन में सारे चीज़ें समझेंगे वन बाय वन कि इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहले एग्जांपल के द्वारा हम आते हैं। जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल वन में आप देख पा रहे हैं कि रूल मैंने लिखा है टू डिजिट का है, इसलिए मैंने रूल लिखा है वन टू वन, और इसमें 12 में 13 का मल्टीप्लाई करना है। और इसमें सबसे पहले करना क्या है ये हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स। तो हम इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप वन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट जो ये है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू या सिक्स। याद रहे दोस्तों, इसको सिंगल डिजिट में ही लिखना है, थ्री मल्टीप्लाई टू इक्वल टू सिक्स, जो मैंने सिक्स लिख दिया। यदि टू डिजिट में आता है तो यहाँ पे कैरी छोटा में लिखना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये पहला स्टेप हमारा ख़त्म हो गया, मतलब वन मतलब आमने सामने जो यूनिट डिजिट के दोनों डिजिट हैं आपस में मल्टीप्लाई करके इसको लिख देना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप आपका ये है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब टू में वन का, वन में थ्री का। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको, वन मल्टीप्लाई थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई वन, ये आपको रिजल्ट भी लिखना है यहाँ पे। ये हो गया थ्री प्लस टू इक्वल टू सिक्स, और कैरी होगा तो इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले का जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो सिक्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे दूसरा डिजिट के लिए आपको ये सिक्स आ गया। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड में क्या होगा कि जितने डिजिट थे हमने कर लिया, अब हमको ये राइट से स्टेप छोड़ते जाना है, और ये लास्ट के जो लेफ्ट वाले हैं डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो पहले का जो है हम लिख देते हैं सिक्स, सिक्स कैरी कोई नहीं है इसलिए आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, वन में वन का मल्टीप्लाई किया वन आएगा। एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थ्री यहाँ पे फाइव होगा जो, इसलिए यहाँ पे फाइव होगा और ये फाइव होगा। तो आपको ये पता चल गया कि थर्टीन और ट्वेल्व मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वन फाइव सिक्स आता है, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन, जो मैंने यहाँ पर थर्ड डिजिट के लिखा है। तो यहाँ पे वन टू वन का मतलब यही है, ये जो आपको रिजल्ट है
यही 1 to 1 है, मतलब पहला प्रोसेस करना है, दूसरा मेथड स्टेप करना है, तीसरा करना है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। इस तरह से करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का एग्जांपल हो तो हम कैसे करेंगे। सपोज कि ऊपर में 3 डिजिट हो और नीचे में 2 डिजिट हो, तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों सेम है जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, पहले यूनिट डिजिट में आपस में कर लीजिए, 3 2 6 आपने लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप के लिए आपको ये क्रॉस में करना है और ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो पहला स्टेप वाला मैंने लिख लिया और ये दूसरा के लिए 3 1 3 और 2, ये दोनों मिला के 5 हो गया। तो ये आपको 5 6 तो यहाँ लिख लीजिए। अब तीसरा स्टेप के लिए क्या करना है, राइट से छूटते जाएगा, यानी ये क्रॉस में होगा। अब इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ये एक छूट जाएगा क्योंकि हो चुका है। तो 3 में 1 से करेंगे, 3 और 1 में 1 से करेंगे, तो 1 हो गया, 3 1 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब आगे का देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप जो होगा, सिर्फ इसका है, लेफ्ट का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 6 आप लिख लीजिए और ये हो गया 1 हो गया, तो यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से जब ये 5 डिजिट का आता है, तो ये तब तक शिफ्टिंग चलता रहेगा जब तक पूरी डिजिट ख़त्म ना हो जाए ऊपर वाला, और लास्ट में जब 1 बच जाएगा तो सिर्फ सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज 2 2 का हम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहेंगे टिल द एंड ऑफ द टोटल डिजिट। इसीलिए मैंने आपके लिए नोट भी लिख दिया है, रिपीट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूनिट ऑल द कंजिक्यूटिव पेयर्स ऑफ द डिजिट एग्जॉस्टेड, तब तक करना है जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए। अब 3 डिजिट में क्या होगा, 3 डिजिट के लिए वही सेम आपको करना है, पहला स्टेप में सेम वैसा ही फॉलो करना है। इसमें एक चेंज आएगा स्टेप 3 में, मैं आपको बताऊंगा। तो 1 में 3 का किया आपने 3, बाकी ये छोड़ दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज मैं यही कर सकता था। तो दूसरा स्टेप में आपको बताया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 हो गया, क्रॉस में हो गया तो 3 2 6 और 2 8 आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप लिख लीजिए, थर्ड स्टेप में अब देखिए ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो 3 3, तो साइड वाले में क्रॉस होगा और ऊपर वाले में आमने सामने मल्टीप्लाई होगा और ये जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसका यहाँ पर ऐसा हो गया कि 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 3, यानी कितना हो गया, ये आपको 5 3 8 हो गया। तो पहले का हमारा जो आ चुका है 8 3 और यहाँ पर 8 आ गया, 8। तो ये थर्ड स्टेप है, इसमें एक जो नया चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हो गया फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब ये पूरा फिनिश हो चुका है, इसलिए अब यहाँ राइट के दोनों डिजिट आपस में छूट जाएंगे, अब ये 2 लेफ्ट के 2 में क्रॉस होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, आपको आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हो गया, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। पहले का आप डिजिट लिख लीजिए, 3 डिजिट का हम कर चुके हैं, 8 8 3 और ये आ गया 4, ठीक है। इसके बाद लास्ट फिफ्थ डिजिट, अब इसमें ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा, अब सिर्फ ये यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो आप पहले का लिख लीजिए 4 8 8 3 और ये 1, तो ये आपका हुआ फ्रेंड्स 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 1 इक्वल टू 1 4 8 8 3। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेंथी हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि आप मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप समझ जाएंगे तो आप कर सकते हैं, इस पर 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ये बढ़ते जाएगा। अभी मैं 3 डिजिट का ही बताया हूँ क्योंकि इतना ही ज़रूरत पड़ता है, बाकी ज़्यादा जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, उसी प्रोसेस में होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इस आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कम से कम आप ऐड करिए कि मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊंगा तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, आप देख पाएँ। और इस तरह से
आज मेरा फास्ट मल्टीप्लिकेशन बाय मैजिकल ट्रिक का पूरा जो ट्रिक्स था ख़त्म होता है। आप इन तीनों चारों ट्रिकों को याद रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी तरह का 3 डिजिट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई विदाउट पेन एंड पेपर आप आराम से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।